हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। सारे एमसीक्यूज़ यहाँ हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ डीआरडीओ की कोपा स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लेके आए हैं। प्रिपरेशन चल रही है काफ़ी ज़ोरों से, क्योंकि 28 और 29 को पेपर है आपका, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको एक रिवाइज़ करने के लिए एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी, जिस वीडियो को देख कर आपका कोपा का जितना कम्प्लीट सिलेबस है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, मेन मेन पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ शुरू करते हैं फिलहाल इस वीडियो को जल्दी से। इससे पहले हमने मॉनिटर के टाइप्स के बारे में सारे ये एमसीक्यूज़ किए थे, और इसके अलावा इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रिंटर से रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ। इसके अलावा आपको इन नोट्स के PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके PDF भी पढ़ सकते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑन पेपर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है जिसको, जो आप डिवाइस आपके कॉपीज मतलब हार्ड जो भी डिवाइस आपके प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपीज पेपर पर, इसको बोला जाता है प्रिंटर बेसिकली। ठीक है, पेपर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, पेपर कॉपी जो होती है डॉक्यूमेंट्स की इसको क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किसको बोला जाता है, जब तक कंप्यूटर में कोई चीज़ है वो सॉफ्ट कॉपी। डिजिटल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, SD कार्ड एट्सेट्रा इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ जब इन सब चीज़ों में सेकेंडरी स्टोरेज में होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, द टाइप ऑफ प्रिंटर विच हिट्स द पेपर टू प्रोड्यूस, देखो प्रिंटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर हम डिटेल में पढ़ते तो मैं आपको समझाती। बेसिकली दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते थे, पहले ज़माने में होते थे जो कि डायरेक्ट पेपर को हिट करते थे तब उस पर प्रिंट होता था, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं जो पेपर को हिट नहीं करते, लेज़र के थ्रू, इंक के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू वो चीज़ पेपर के ऊपर प्रिंट देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटी सी इंट्रोडक्शन हो गई है, हम डिटेल में पढ़ते तो मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाती, तो अभी इतनी नॉलेज काफ़ी है कि दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। फिलहाल यूज़ ज़्यादातर किए जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर पहले के ज़माने में होते थे। ठीक है, द टाइप ऑफ प्रिंटर विच इज़ हिट द पेपर टू प्रोड्यूस प्रिंट इज कॉल्ड, कौन से टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर को हिट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो डायरेक्ट पेपर को हिट करते हैं उस पर प्रिंट देने के लिए। सवाल दूसरा है यहाँ, द टाइप ऑफ प्रिंटर विच डज नॉट हिट द पेपर टू प्रोड्यूस प्रिंट इज कॉल्ड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर को हिट बिल्कुल नहीं करते, लेज़र वगैरह के थ्रू प्रिंट देते हैं, इंक के थ्रू देते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिलोंग्स टू डैश कैटेगरी, अब देखिए ये प्रिंटर्स के नाम हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते थे ये होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर, ये पुराने ज़माने के प्रिंटर्स होते थे जो डॉट बने होते थे उसके थ्रू ये वो अपना प्रिंट देते थे पेपर के ऊपर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, गोल्फ प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर, देखो ये सारे प्रिंटर्स जो है ना ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट पेपर को हिट करते हैं और आपका प्रिंट देते थे। ठीक है, और अगला सवाल है यहाँ, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड प्लॉटर बिलोंग टू, ये सारे प्रिंटर किससे बिलोंग करते हैं, ये सारे होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सारे कौन से प्रिंटर होते हैं आपके, ये सभी प्रिंटर होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन लेज़र प्रिंटर द लेज़र बीम प्रोड्यूस डैश चार्ज ऑन पेपर विच मेक्स द टोनर पाउडर टू अधेर टू द चार्ज्ड एरिया। ठीक है, द लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उनमें जो लेज़र बीम होता है वो प्रोड्यूस डैश करता है, क्या प्लस में होता है, माइनस में होता है या न्यूट्रल होता है पेपर पर, विच मेक्स द अनदर पाउडर तो अधिकता कंप्यूटर, वो ही प्रिंटिंग के लिए जो चार्ज करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में होता है तब जाके ये प्रिंट करता है। इन इंक, ये वैसे क्वेश्चन इस टाइप के डीपली पूछे नहीं जाएंगे, मेन मेन क्वेश्चन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं ये पूछ लिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इन इंक जेट प्रिंटर डैश कलर कार्टेज आर यूज टू प्रोड्यूस कलर ब्लैक प्रिंट, किस टाइप की कार्टेज का यूज़ किया जाता है,
ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में। तो इसके लिए आपको लगाना है ये कियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक, CMYK इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है, याद रखिएगा। इंकजेट प्रिंटर CMYK स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक के लिए। द टाइप ऑफ प्रिंटर यूज फॉर प्रिंटिंग ऑन लार्ज साइज पेपर A0, A1 एटसेट्रा इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इस टाइप के प्रिंटर को, प्लॉटर प्रिंटर, ठीक है, जो कि बड़े बड़े वो आपके जो प्रिंटिंग देते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 63, थर्मल प्रिंटर यूजेस कॉर्डेड पेपर विच टर्न्स ब्लैक व्हेन हीट द अप्लाइड, ठीक है, थर्मल प्रिंटर डैश यूज किसके लिए, बिस्फेनॉल यूज़ किया जाता है। और थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज़ किया जाता है, अगर आपने DTC बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, ATM कार्ड मशीन में जो प्रिंट होती है, आपकी जो रिसिप्ट जो निकलती है, टिकट्स जो आप लेते हैं, उन सब में थर्मल प्रिंटर लगे होते हैं छोटी छोटी मशीनों में, ठीक है, तो ये थर्मल प्रिंटर होता है जो कि नॉन इम्पैक्ट होता है। अगला टॉपिक यहाँ शुरू हो जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो CPU के बारे में भी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, इसी वीडियो में। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले पढ़ेंगे, CPU में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, CPU एक्सपेंडेड, CPU की फुल फॉर्म सीधी सी सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सिंबल ऑफ UP डिनोट्स डैश ऑफ कंप्यूटर, क्या डिनोट करता है UP, UP डिनोट करता है आपके माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। प्रोसेसर आपको पता ही है सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, चीज़ों को मतलब कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी ये डिसाइड होता है प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। डैश इज़ कैजुअली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सबको पता है। द मेन कंपोनेंट हाउस्ड इन CPU आर, CPU में मेन कंपोनेंट क्या होता है जो लगा होता है, मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब चीज़ें, तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो अपना अपना काम करती हैं, सब मिलकर ही एक कंप्यूटर को बनाती हैं, अगर एक भी चीज़ ना हो तो काम करना बेहद मुश्किल है, CPU काम नहीं करेगा आपका। इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर डैश डिलीवर्स पावर सप्लाई टू द कॉम्पोनेंट्स एट अप्रोप्रिएट वोल्टेज, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सारे कॉम्पोनेंट्स जो अंदर लगे होते हैं उनको आपके क्या है पावर सप्लाई करती है, तो वो होता है SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सभी कॉम्पोनेंट्स के लिए स्पेशल लगाया गया होता है जो कि पावर सप्लाई करता है, ठीक है, अंदर जो इतने भी आपके CPU में लगे होते हैं कॉम्पोनेंट्स। द चिप कैरिंग आउट ऑल प्रोसेसिंग वर्क इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, जितना भी वर्क प्रोसेस हो रहा होता है चिप, एक चिप जो होती है जो प्रोसेसिंग करती है आपके कंप्यूटर के सारे वर्क को, उसको क्या बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये सबको पता है। द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच परफॉर्म नंबर क्रंचिंग एंड लॉजिकल कंपेरिजन इज कॉल्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो होती है वो काम करती है किसके लिए, नंबर क्रंचिंग वगैरह के लिए, और जितनी भी अर्थमेटिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो यही इसी यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है ALU स्टैंड्स फॉर, ALU किसके, ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगला सवाल है द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज फॉर स्टोरिंग वैल्यूज नीडेड फॉर नेक्स्ट साइकिल फॉर प्रोसेसिंग, कौन सा पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ करता है वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है नेक्स्ट साइकिल को प्रोसेस करने के लिए, तो ये होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि आपकी जितनी भी वैल्यूज़ वगैरह से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो इसी यूनिट के थ्रू होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होल्डिंग डाटा विच इज नीडिड फॉर फोर्थ कमिंग साइकल्स ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डैश, क्या बोला जाता है कैश, कैश में रखी जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि दोबारा चीज़ों को यूज़ करने, दोबारा उसी काम को करने के लिए यूज़ की जाती है। द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच मेंटेन्स क्लॉक एंड इंक्लूड्स ईच साइकिल ऑफ प्रोसेसिंग थ्रू अ पल्स इज कॉल्ड, ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर में मेंटेन करने के लिए क्लॉक इंक्लूड की जाती है हर एक साइकिल में प्रोसेसिंग के लिए, वो पल्स की तरह चलती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टाइमर, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो काम होता है हर एक पर सेकेंड में साइकिल जो घूमती है उसको टाइमर बोला जाता है। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कैरिड आउट बाय अ माइक्रो प्रोसेसर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लॉप्स, ठीक है, FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ
फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग कैरिड आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जितना भी काम होता है उस साइकिल को, उसमें जितना भी वर्क आप कंप्लीट करते हैं उस सेकेंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉप्स बोलते हैं. द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसर पर सेकेंड इज कॉल्ड. पर सेकेंड में प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए गए जितने भी टास्क होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लॉक स्पीड. आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड बोला जाता है उसको. वेयर इज क्लॉक स्पीड इज द ग्रॉस नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ प्रोसेसर पर सेकेंड फ्लॉप्स रिस्पेंस डैश ऑफ प्रोसेसर पर सेकेंड. ये इफेक्टिव आउट रन ऑफ प्रोसेसर पर सेकेंड. फ्लॉप्स जो होता है जी वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव आउट ऑफ प्रोसेसर पर सेकेंड को. ठीक है. अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में रिक्वायर डैश क्लॉक साइकिल ऑफ कंप्लीट. तो कौन सी फ्लोटिंग पॉइंट्स जो होते हैं, जो काम करने का तरीका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेशन का किसी का भी, तो डैश क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट. क्या कौन सी क्लॉक साइकिल जो होती है जो उसको कंप्लीट करती है, तो यहाँ मोर देन वन होती है एक क्लॉक साइकिल में. ठीक है. जस्ट वन, लेस देन वन, तो यहाँ एक से ज़्यादा होती है. ठीक है. पर सेकेंड मतलब जितनी बार वो चक्कर ऐसे लगाता है, घूमता है एक क्लॉक साइकिल में, मतलब एक से ज़्यादा उसमें काम होते हैं. इंटेल पेंटियम प्रोसेसर वॉज प्रोसीडेड बाय इंटेल डैश प्रोसेसर. कौन सा, इंटेल के प्रोसेसर्स ही आते हैं सारे, आपने देखा होगा पहले और कुछ भी चला था, लेकिन इंटेल का जो पेंटियम प्रोसेसर है वॉज प्रोसीडेड बाय इंटेल डैश प्रोसेसर. कौन सा प्रोसेसर था, 800 8486/486 बोला जाता था इसको. ठीक है. और अगली वीडियो होगी हमारी मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए. वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो. इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमसे कह सकते हैं. थैंक यू.